जो दर्शक है उनको लगता है क्योंकि आप सलमान खान के साथ लॉन्च हुई हैं तो उनका बैकअप रहता होगा आपकी आपके करियर में, जबकि हम असली बात जानते हैं कि किस तरह का क्या बैकअप हो सकता है। 11 साल होने के बाद भी आप किस तरीके से खुद को इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ महसूस करती हैं और कितना अलग महसूस करती हैं, और कब इंडस्ट्री के लोग जो बड़े लोग होते हैं वो आपको अपना अपना महसूस करवाते हैं कि नहीं आप हमारे साथ हो, करियर वाइज भी, पर्सनली भी, प्रोफेशनली भी, और कब वो आउटसाइडर फील कराते हैं, आप समझ रही होंगी मेरे। जी जी मैं समझ रही हूँ। सलमान एक ऐसे इंसान है जिसके लिए मैं जिंदगी भर जिनकी मैं जिंदगी भर शुक्रगुजार रहूंगी, क्योंकि ये उन्हीं की बदौलत है जो मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनी। मेरा ऐसे कोई ड्रीम नहीं था, ऐसे कोई प्लान नहीं था कि मैं एक्ट्रेस बनूं, ना ही मुझे लगता था कभी कि मैं एक्ट्रेस बन सकती हूँ, क्योंकि आई एम अ कम्प्लीट टॉम बॉय, यू नो, जो ज्यादा लोगों को पता नहीं है। मैं बिल्कुल झल्ली सी लड़की हूँ, मेरे में वो लड़कियों वाली अदाएं और वो सारी चीजें हैं नहीं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्ट्रेस बन सकती हूँ, बट सलमान को लगा कि मैं एक्ट्रेस बन सकती हूँ, एंड यू नो थैंक्स टू हिम आई बिकेम अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। बट दैट इज इट, यू नो, ऐसे नहीं है कि वो अभी तक हर एक जगह कॉल करके मुझे काम दिला रहे हैं। ही इज ऑलरेडी डन अ वेरी बिग थिंग इन माई लाइफ। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो मुंबई ये सपना लेके आते हैं कि एक दिन वो इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा बनेंगे, और वो इसके नजदीक भी नहीं आ पाते। और फिर एक जगह मैं हूँ जिसने कभी एक ख्वाब देखा भी नहीं, एंड आई बिकेम अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। सो आई थिंक आई एम ऑलरेडी वेरी ग्रेटफुल टू सलमान फॉर व्हाट ही इज डन इन माय लाइफ। लेकिन एक बार जब इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन गई तो आगे की जर्नी तो मेरी होगी ना। लाइक ऐसे नहीं है कि फिर हर जगह वो कॉल करके मुझे काम दिला रहे हैं। आगे का जो काम मिलना है या चीजें करनी है वो मुझे अपने बलबूते पे करनी है, जो मैं कोशिश कर रही हूँ। अभी 11 साल हो गए हैं इस कोशिश को, बट काफी मुश्किल है, स्पेशली व्हेन यू डू नॉट बिलोंग फ्रॉम अ फिल्मी बैकग्राउंड। काफी मुश्किल होता है टू इवन गेट अ मीटिंग विद यू नो अ डायरेक्टर, अगर यू नो वो बहुत ही बड़े लेवल के डायरेक्टर हैं या प्रोड्यूसर हैं, तो मुश्किल होता है अभी भी उनसे एक मीटिंग भी मिलना। क्योंकि आप मैसेज करोगे, कोई कोई तो काइंड होते हैं कि वो आपके मैसेज का रिप्लाई कर दे, कोई कोई तो रिप्लाई करने का भी यू नो नहीं, दे डोंट केयर अबाउट रिप्लाई। एंड आफ्टर सो मेनी इयर्स जब ये बर्ताव होता है तो फिर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि यार मतलब एम आई स्टिल लाइक एन आउटसाइडर, कि लोग जानते भी नहीं है कि यू नो वो रिप्लाई भी नहीं करना चाहते। सो ये सारी चीजें फिर आपको और भी निराश कर देती हैं कि यू नो इज दिस द काइंड ऑफ बिहेवियर दैट इज गोइंग टू हैपन जस्ट बिकॉज यू आर नॉट वेल कनेक्टेड टू समबडी इन दिस इंडस्ट्री, या आप इस इंडस्ट्री की फैमिलीज का हिस्सा नहीं हो। क्योंकि जो फैमिलीज, जो बॉलीवुड फैमिलीज हैं, वो ऑलरेडी एक दूसरे को इतना क्लोज नेट जानती हैं कि यू नो चीजें काफी आसान हो जाती है। बट somebody like me who doesn't know a lot of people, और you know मैं उस तरीके की इंसान नहीं हूँ कि खाली काम निकालने के लिए अब मैं बहुत ही ऐसे best friends बन जाऊँ किसी के साथ, मुझे नहीं आता वो। तो जिस तरीके से मैं मतलब मेरा मुझे जिस तरीके से आता है, मैं बहुत ही मतलब मुझे बिल्कुल भी फेक चीजें करनी आती नहीं है। तो इसलिए जैसे चल रहा है चला रही हूँ, जो कोशिश मतलब जो कर सकती हूँ रोज उठ के कोशिश करती हूँ, और I'll see where this makes me reach. अभी 11 साल तो हो गए हैं, without being you know connected to this industry, without really knowing a lot of people in this industry, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अच्छा सलमान ने लॉन्च किया है तो यू नो अभी तो सलमान ही अभी भी सब जगह, बट नो, आई मीन सलमान एंड मी ऑल्सो ऐसे नहीं है कि हम रोज बात कर रहे हैं, रोज मिल रहे हैं। of course we have a very cordial relationship. You know, हम बर्थडेज पे एक दूसरे को विश करते हैं, उनके घर में कोई फंक्शन होता है तो ऑफकोर्स विश करते हैं, या इस तरीके की बातें होती है। बट ये नहीं है कि मैं रोज उनके आसपास हूँ, उनसे मिल रही हूँ या फोन पे बात हो रही है। सो देयर पीपल हैव अ लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड व्हिच नीड्स टू बी क्लियर।